तो हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो एक अलग ही टॉपिक पे होने वाली है। अगर आपका YouTube चैनल है, Facebook पेज है और उस पर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो अगर आप मोबाइल फ़ोन से करते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आप लैपटॉप, PC या फिर किसी सिस्टम का यूज़ करके लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप मल्टीपल लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अपने लाइव स्ट्रीम को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड बहुत सारा फीचर आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। हालांकि ये वेबसाइट पेड है, लेकिन अभी ये फ्री है। अभी इस पर एक ऑफर चल रहा है जिसके वजह से इसका जो भी फीचर है उसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए आज का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा यूजफुल कंटेंट हमेशा लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप इस वेबसाइट का होम स्क्रीन देख सकते हैं। इसका नेम है मोवीजन। यहाँ पे इसका होम स्क्रीन कुछ ऐसा आपको दिखेगा। प्राइसिंग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट मैं आपको दिखा दूँ कि इसको आप फ्री में भी एक्सेस कर सकते हैं, पैसा भी पे कर सकते हैं, बट अभी ऑफर चल रहा है तो आपको बिल्कुल फ्री में इसको एक्सेस करना है। जस्ट मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। देखिए, $0 पर मंथ क्या क्या फीचर आपको मिलेगा। तो नो लिमिट ऑन दी वीडियो स्ट्रीम, मतलब अनलिमिटेड वीडियो स्ट्रीम आप कर सकते हैं। फाइव इनवाइट अप टू 5 स्पीकर, ऑडियो स्ट्रीम, मोबाइल स्ट्रीम, वर्चुअल स्ट्रीम, बहुत सारा फीचर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। एक बार आप पढ़ के देख लीजिएगा। इधर देखिए, इसमें वाटरमार्क भी आता है, तो वाटरमार्क हटाने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता, लेकिन अभी इस पर ऑफर चल रहा है तो 12 मंथ के लिए आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको इस पर दो बार टैप करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको अपने गूगल अकाउंट को सेलेक्ट करके लॉगिन करना है। तो जस्ट मैं यहाँ से अपने गूगल अकाउंट को सेलेक्ट करके लॉगिन कर लेता हूँ। गूगल अकाउंट को सेलेक्ट करने के बाद जस्ट देखिए, फिर से आपको वही इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ओपन इवेंट 12 मंथ फ्री पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट देखिए, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं। स्टूडियो लिस्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा, ब्रॉडकास्ट हिस्ट्री दिखेगा और कस्टमर सपोर्ट दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल को या फिर फेसबुक पेज को इससे कनेक्ट करना होगा, तो उसके लिए आपको एड अकाउंट पे क्लिक करना है। और अगर आप अपने YouTube चैनल को कनेक्ट करने वाले हैं तो YouTube चैनल को यहां पे देखिए, YouTube को सेलेक्ट करके और यहां पे आपको अपने Gmail अकाउंट को सेलेक्ट करना है जिसके थ्रू आप अपना चैनल क्रिएट किए हैं, मतलब चैनल वाले Gmail से इसमें लॉगिन करके आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे, जस्ट देखिए यहां पे आपका YouTube जो है वो ऐड होगा। देखिए यहां पे मेरा आइडियल पर्सन, मेरा कोई दूसरा चैनल है जिसको मैंने यहां से ऐड किया है, तो जस्ट ये ऐड हो जाएगा। ऐड करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको स्टूडियो लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्रिएट के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टूडियो ऑलरेडी सेटअप किया हुआ आपको मिल जाएगा। ये देखिए ऑलरेडी सेटअप किया हुआ, यहाँ पे देखिए जनरल, एजुकेशन, रिलीजन, गेम, वेबिनार, अलग अलग तरह का स्टूडियो सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे ब्लैंक वाला यूज़ करेंगे, ये वाला जो न्यू ब्रॉडकास्ट है इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसका नेम दे सकते हैं, तो नेम आइडियल पर्सन ही हम रखते हैं और क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। जस्ट यहाँ पे आपका स्टूडियो जो है वो तैयार होगा। अभी इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। जस्ट देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहां आपको सीन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीन आप ऐड भी कर सकते हैं। ये देखिए दूसरा, ये तीसरा मैंने ऐड कर दिया, ये चौथा ऐड कर दिया। प्लस के बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे अलग अलग सीन ऐड कर सकते हैं। नीचे ये जो प्लस का बटन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप कैमरा, जो भी मेरा लैपटॉप का कैमरा है इसको भी ऐड कर सकते हैं, मोबाइल कैमरा आप ऐड कर सकते हैं, माइक्रोफोन ऐड कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, वर्चुअल स्ट्रीम कर सकते हैं और वीडियो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम में आपको क्या क्या दिखाना है यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे तो देखिए सीन ट्रांजिशन, मतलब इधर जो आपने सीन सेलेक्ट किया है उसमें आप ट्रांजिशन लगा सकते हैं, अपने हिसाब से इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखिए फुल HD में है। यहाँ से आप इसका 2K अल्ट्रा QHD, मतलब क्वेड HD, यहाँ पे FHD, फुल HD, HD, मतलब यहाँ पे आप इसका रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनवाइट स्पीकर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जस्ट देखिए ये वाला जो लिंक है इसको आप किसी के भी पास शेयर कर सकते हैं, मतलब जिसको आप इनवाइट करना चाहते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम में उसको आप ये लिंक शेयर करेंगे तो इस लिंक के थ्रू वो जो है वो आपकी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकता है। तो जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए
इधर आपको बहुत सारा फीचर देखने को मिलेगा, जैसे कि इस पर हम लोग क्लिक करते हैं प्रीव्यू, स्टार्ट प्रीव्यू, मतलब जो आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या अभी जो भी ब्रॉडकास्ट आप कर रहे हैं उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको आप इनेबल करेंगे तो आपका जो भी प्रीव्यू है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट मैं सब सेटअप करके आपको दिखाऊंगा। ये जो एड ब्रॉडकास्ट सर्विस, इस पर आप क्लिक करेंगे जस्ट, तो यहाँ पे ये जो यूज है, यहाँ पे जो भी आप ब्रॉडकास्ट किए हैं, जो भी आपने सेटअप किया है, यहाँ से डायरेक्ट आप अपने चैनल पे लाइव जा सकते हैं, ठीक है, या फिर फेसबुक पेज पे लाइव जा सकते हैं। तो यूज पे आप क्लिक करेंगे, आप अपने चैनल पे लाइव हो जाएंगे यहाँ से सेट करने के बाद। हालांकि अभी मैं इसका यूज नहीं करूँगा, जस्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप मल्टीपल चैनल पे भी लाइव जा सकते हैं, दूसरा चैनल भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट आप ये देख लीजिएगा, यह स्टार्ट प्रीव्यू है। उसके बाद चैट, यहाँ से आप अपना चैट देख सकते हैं, इसको भी मैनेज कर सकते हैं। नीचे आपको साउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड साउंड इफेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए अलग अलग तरह का साउंड यहाँ से आप ऐड के बटन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जस्ट हम इसको कट करते हैं। नीचे आप लेआउट देखेंगे, यहाँ से आप अलग अलग तरह का लेआउट, देखिए ये वाला लेआउट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आप जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ ये पहला सीन सेलेक्ट करता हूँ, और सीन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कोई लेआउट पहले सेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाला लेआउट हमने सेट किया, ये जो प्लस का बटन है इस पर क्लिक करके हम लोग कैमरा को ऑन कर लेते हैं, जो मेरा फ्रंट कैमरा है लैपटॉप का। जस्ट मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको सेट करना है, ठीक है। तो जस्ट देखिए यहाँ से कैमरा ऑन हो रहा है, ऑन होने के बाद हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे ये ऐड हो जाएगा। जस्ट अभी कैमरा ऐड हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्पीड मेरा स्लो चल रहा है। अब इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे लाकर इसमें सेट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा सेट हो गया। उसी तरह देखिए फिर हम प्लस पे क्लिक करते हैं, और प्लस पे क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए कि कोई वीडियो आपको ऐड करना हो तो प्लस पे हम क्लिक करेंगे, देखिए वीडियो जो हमने सेलेक्ट किया अभी वीडियो ऐड होगा। पहले फाइल ओपन होगा, फाइल से जैसे मान लीजिए कि मुझे ये वाला जो वीडियो है इसको ऐड करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे हमारा वीडियो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको भी हम ड्रैग करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जस्ट देखिए हालांकि इसी में आ गया, जस्ट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखिए जस्ट सेट होने में जस्ट थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो है मेन स्क्रीन में ही वीडियो सेट हो गया, इसमें कुछ और सेट करना पड़ेगा। फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसको हम फिर से यहाँ पे लाकर सेट करते हैं। हालांकि इसमें सेट नहीं हो रहा है, फॉर्मेट का कोई दिक्कत हो सकता है, कैमरा को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इसमें नहीं सेट करते हैं, दूसरे सीन पे हम लोग जाएंगे, फिर यहाँ से कोई भी एक फ्रेम ले लेंगे और ये जो दूसरा वाला है इसको हम लोग इसमें ड्रैग करके ऐड कर देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे आप स्क्रीन भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट देखिए ये प्लस का जो बटन है, बहुत सारा फीचर आपको माइक्रोफोन, मोबाइल कैमरा, वर्चुअल स्ट्रीम, वीडियो, शेयर स्क्रीन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो इसको इन सभी को इसमें आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे अलग अलग तरह का लेआउट आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए नीचे आप देखेंगे तो इमेज का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप कोई इमेज भी आप चाहें तो दिखा सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला इमेज यहाँ पर आ गया, ये देखिए दूसरा इमेज, जो भी मतलब लाइव स्ट्रीम में जो भी आप इमेज दिखाना चाहें उसको आप दिखा सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप इसके साइज को भी बड़ा कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से देखिए, ठीक है। तो हम जस्ट इसको हटा देते हैं यहाँ से, जस्ट हम इसको हटा देते हैं, इमेज हटाते हैं, इसको पहले डिलीट कर देते हैं, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गया। अब हम लोग टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आप चाहें तो अपने लाइव स्ट्रीम में कुछ लिख भी सकते हैं। इसे देखिए यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया, इसको हम इधर सेट कर देते हैं, ठीक है। पहले हम स्क्रीन वन सेट कर लेते हैं, ये वाला स्क्रीन वन हमारा सेट हो गया। फिर से हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे लिखना है सोनू जी टेक्निकल, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लिख लेते हैं सोनू जी। जस्ट कुछ भी मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, जस्ट अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सोनू जी मैंने लिख लिया, इसको आप कहीं भी लेकर जाना चाहें। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसको यहाँ पे लाना है, ये देखिए जस्ट ये क्या हो गया इसमें, तो जस्ट हम इसको कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे सेट करना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सोनू जी, मतलब अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। नीचे आपको बैनर का ऑप्शन मिल जाएगा, बैनर भी आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें अलग अलग तरह का बैनर आपको मिल जाएगा, जस्ट अभी मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये बैनर आ गया, इस पर भी आप चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, बट हम अभी क्या करेंगे इसको कट कर देंगे, जस्ट यहाँ से कट कर देते हैं। और नीचे एक और आपको मिल जाएगा ब्रांड का ऑप्शन, मतलब पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट हम यहाँ से देखिए चेंज करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए पीछे वाला बैकग्राउंड चेंज हो गया, यहाँ से ये वाला फिर चेंज हो गया,
यहाँ से ये देखिए फिर से चेंज हो जाएगा। तो बैकग्राउंड आप जो भी चाहें ले सकते हैं। अभी मेरा जो कैमरा है वो उतना अच्छा नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा देखने में आपको लग रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से आप ये वाला जो वेबसाइट है इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्टार्ट ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका ब्रॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आप अपने चैनल पे करें, फेसबुक पेज पे करें, कहीं भी करें। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी इस वेबसाइट के बारे में बताया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वेबसाइट का यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर पिंड कमेंट में, ठीक है, कमेंट में होगा जिसको मैंने पिन किया है, वहां से भी आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसा यूजफुल कंटेंट हमेशा लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए।